जरूर डिस्कस करना चाहिए क्योंकि यू नो बहुत लोग हैं जिनको लगता है कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखा है जिन्हें लग यू नो आफ्टर बीइंग प्रेग्नेंट होने के बाद हर किसी को लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लड़की बुरी है या लड़का होना बुरा बात कोई गलत बात है, सेम आजकल के ज़माने में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। एंड मुझे तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और की मर्जी होती है, जो भी वो दे दे वही हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, है कि नहीं बताइए। तो हर एक माँ को, हर एक प्रेग्नेंट लेडी को लगती है कि ये हमारी, हम प्रेग्नेंट हैं, बेबी बॉय है या गर्ल है, तो हर किसी को यू नो डाउट होते हैं। इनफैक्ट मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मैंने भी बहुत सर्च किया था कि सिम्टम्स क्या होते हैं बेबी बॉय या गर्ल्स में, है ना। तो मैंने जब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा एक बेटा है, बेबी बॉय है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ क्या मेरे सिम्टम्स थे उस टाइम। और मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है जो कि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, और इस पर मैं अपना रिव्यू देना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या सिम्टम्स हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट थी अपने बेटे के साथ। इनफैक्ट मुझे पता चल गया था यहीं पे, मैं दोहा में थी, मैं तो आउट ऑफ इंडिया, आपको पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में 5 मंथ्स में पता चल जाता है, 4-5 मंथ्स में तो मुझे पता चल जाता गई थी। लेकिन मेरे जो सिम्टम्स हैं मैं आप लोगों को वही शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपना बेबी बॉय के टाइम मेरा क्या सिम्टम्स हुआ था, एज ए बॉय होने में क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब शायद आप लोगों को हेल्प मिल जाए, कुछ हिंट्स मिल जाए। और हर एक की यू नो अलग अलग होते हैं सिचुएशंस, और क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में देखा हुआ है कि बोलते हैं कि बॉय होने पे यू नो बॉय होने पे सबसे पहले पॉइंट वन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि बोलते हैं कि बॉय होने पे आपको जो है क्रेविंग जो है ना, जो स्पाइसी खाने का बहुत मन होता है, स्पाइसी या आपको चटपटा नमकीन खाने का मन होता है, जो कि गर्ल होने पे आपको मन होता है मीठा खाने पे। लेकिन मेरे टाइम ऐसा कुछ नहीं था, मुझे मीठा बहुत पसंद था, मैंने प्रेगनेंसी पूरा स्टार्टिंग से एंड तक मैंने मीठा ही खाया है बहुत ज़्यादा, और मुझे मीठा बहुत पसंद था, ऐसा कुछ नहीं था। वो मेरे साथ गलत निकला क्योंकि जब मैंने देखा था उसमें लिखा हुआ था कि मीठा सिर्फ गर्ल बेबी गर्ल होने पे ही आपको अच्छा लगता है यू नो, लेकिन मेरे टाइम ऐसा कुछ नहीं था, मुझे मीठा बहुत पसंद थी, और मैंने पूरा स्टार्टिंग से एंड तक मुझे मीठे का बहुत ज़्यादा क्रेविंग था, आइसक्रीम्स एंड ऑल मुझे बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग थे। तो ये मेरा पहला पॉइंट है जो कि गलत निकला। और सेकेंड पॉइंट है, आप सभी को बहुत लोग बोलते हैं कि यू नो अगर आप बेबी गर्ल के साथ प्रेग्नेंट हो तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होती है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं माँ की जो यू नो सुंदरता वो छीन लेती है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब मैं जिशान के टाइम प्रेग्नेंट थी मेरे बेटे के टाइम, उस टाइम ये मुझे सही लगा था, क्योंकि मैं उसके टाइम बहुत ही अच्छी थी, मेरी स्किन ग्लो हो गया था और यू नो मेरा हेयर भी ग्रोथ होने लगा था, एवरीथिंग इज सो फाइन, मैं अच्छी दिखने लगी थी एक्चुअली, जो पिंपल्स वगैरह कुछ नहीं हो रहा था मुझे, तो वो मुझे सही लगा था, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि हाँ जो मिड वाइफ पहले की थी वो लोग बोलते हैं कि हाँ लड़के के टाइम आप खूबसूरत होते हो, या लड़की के टाइम आप जो आपकी ब्यूटी है वो खो जाती है कहीं पे, तो ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था, तो सही हुआ था ये एक्चुअली। तो ये पॉइंट टू जो है ये मेरे साथ सही निकला था। और एक जो है, बहुत लोग बोलते हैं जो मीड वाइफ है पहले की, वो बोलते हैं कि अपना जो बेली है, जो आपकी अगर आप अपने बेबी बॉय के साथ आप प्रेग्नेंट हो, आपका बेली जो है ना नीचे की तरफ से बड़े होते हैं, यू नो ऊपर नहीं होते हैं, नीचे की तरफ से आपकी बेली जो बड़े होते हैं, अगर आपकी गर्ल है विद गर्ल यू आर प्रेग्नेंट, आपकी जो बेली है ऊपर की तरफ होते हैं, वो भी मेरे साथ सही निकला था, क्योंकि जिशान के टाइम मेरे बेटे के टाइम भी मेरा जो बेली है वो नीचे की तरफ से ही बड़ा था, और
ये मेरे साथ सही निकला था, क्योंकि वो आपको अगर बेटा है आपका, बेबी बॉय हो रहा है, तो ये भी मैंने देखा है कि नीचे की तरफ से बड़ा होते हैं, मतलब जो आपका बेली है ना जो नीचे की तरफ से ही बड़ा होते हैं, अदरवाइज आपकी जो नाभि है ना उसके ऊपर बड़ा होते हैं अगर आपकी बेटी है या यू आर प्रेगनेंट विथ ए बेबी गर्ल। तो ये भी मेरे साथ सही निकला था पॉइंट 3 में। तो चलिए बताती हूँ पॉइंट 4 की, और एक लास्ट पॉइंट है मैं जो आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है और शेयर करने वाली हूँ, वो जो है आपके अगर सभी जो मीर वाइफ है और बहुत सारे वीडियोस यूट्यूबर्स ने बना के रखा है जो कि लिखा हुआ है कि आपके जो अगर आप बॉय के साथ प्रेग्नेंट हो, आपके एक जो नाभि एकदम नीचे नाभि तक, मतलब नाभि से ऊपर आपके आपका लाइन हो जाती है, ऐसे नहीं वो लाइन हो जाती है आपकी नाभि से लेके एक लाइन जो कि ब्लैक कलर का डीप हो जाती है, अगर आपकी लड़की लड़के के साथ प्रेग्नेंट, अगर आप एक बेबी बॉय के साथ प्रेग्नेंट हो तो आपके अंदर एक बेबी बॉय है तो वो एक लाइन आ जाते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल गलत था। मेरे टाइम जिशान के टाइम ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था, जो कि कुछ भी लाइन नहीं था, एक हल्का सा लाइन था वो था एकदम नाभि तक, नाभि से ऊपर नहीं था, जो मिडवाइफ या पहले लोग बोलते थे कि या बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के रखा है इसके ऊपर, ये मेरे साथ गलत हुआ था क्योंकि मेरी इसी नाभि के नीचे ही था, नीचे तक ही था मेरा जो लाइन है, और बहुत ही पतला सा था, कोई डीप नहीं था। अगर वो लोग बोलते हैं कि अगर आपकी बेबी गर्ल है तभी ऐसे पतला सा लाइन नाभि तक रहती है, अदरवाइज नाभि के ऊपर तक ऐसे आपके यहाँ तक से स्टक आ जाते हैं, वो लाइन डीप हो गया अगर आप बेबी बॉय के साथ प्रेग्नेंट हो। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो हर किसी का यही था मेरा पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, बहुत लंबा वीडियो नहीं करने वाली हूँ मैं, और ये सिंपल्स पॉइंट है जो कि सभी बोलते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट्स, तो मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया क्योंकि हर किसी की यू नो प्रेगनेंसी अलग होते हैं, आपके साथ बेबी बॉय आप प्रेग्नेंट हो बेबी बॉय के साथ या बेबी गर्ल के साथ मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि हर किसी की बॉडी के ऊपर डिपेंड करते हैं। और एक बात है बोलने वाली मैं हूँ 5 में, बता देती हूँ आप लोगों को कि जो है ना वोमिटिंग बहुत होती है अगर आप बेबी गर्ल के साथ प्रेग्नेंट हो, तो आपकी 3 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा प्रेग्नेंट वोमिटिंग होते हैं, किसी किसी को 9 मंथ्स तक होते हैं, और अगर आप बेबी बॉय के साथ हो तो आपको नोजिया वोमिटिंग इतना नहीं होते, अदरवाइज बेबी गर्ल के साथ सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होता है। ये ट्रू है एक्चुअली, ये इसमें मैं ट्रू बोलूँगी क्योंकि जिहान के टाइम मुझे ऐसा नोजिया वोमिटिंग कुछ भी नहीं हुआ था, 1 या 2 दिन ही वोमिटिंग हुआ था और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था मुझे स्पेलिंग में या नोजिया वोमिटिंग में, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये हर किसी की अलग अलग पॉइंट होती है, बहुत लोग का होते हैं, इनफैक्ट वो अगर बेबी बॉय के साथ कैरी कर रहे हैं प्रेगनेंसी तो होते हैं बहुत लोगों को यू नो वोमिटिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को होता है नहीं होता है, हर किसी की बॉडी अलग होते हैं। तो यही 5 पॉइंट्स था मेरा, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है मेरे ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। फिर चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।